कोरोना को लेकर आज हाई लेवल बैठक होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये चर्चा होगी। ज्यादा प्रभावित वाले राज्यों के सीएम के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक। बैठक में 10 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के सीएम बैठक में शामिल होंगे। ऑक्सीजन कंपनियों के प्रमुखों के साथ भी बैठक होगी। तो कोरोना पर हाई लेवल बैठक हो रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा हो रही है। ज्यादा प्रभावित वाले राज्यों के साथ सीएम की ये चर्चा है। कई अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर यहां पर बात की जा सकती है। समीक्षा बैठक पीएम मोदी की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं समीक्षा बैठक। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, कोरोना पर हाई लेवल बैठक है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश में इस समय हालात है, जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित है और यही कारण है कि आज उन्होंने बंगाल का अपना दौरा रद्द किया है और हाई लेवल मीटिंग रखने का फैसला किया है। खासकर उन राज्यों पे ज्यादा फोकस है जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, और इन राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। तमाम जो राज्य है उनकी स्थिति पे चर्चा हो रही है और केंद्र के स्तर पर क्या मदद हो सकती है और राज्य केंद्र से क्या मदद चाहते हैं। खासकर जो मुद्दा है वो ऑक्सीजन का है, खासकर मुद्दा है रेमडेसिविर इंजेक्शन का है और वैक्सीन का मामला है। तीन अहम मुद्दे हैं जिनको लेके इन बैठक में चर्चा है। तो उम्मीद की जा रही है यही कि आज जब बैठक होगी तो कुछ उसमें इस तरह का एक एक्शन प्लान निकलेगा कि जहां पे ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, जहां डिमांड ज्यादा है, उनको ज्यादा सप्लाई की जाए। वैक्सीनेशन को लेके भी चर्चा होगी इस बैठक में, इसको लेके भी एक केंद्र की तरफ से जो है वो फैसला हो सकता है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही 1 मई से जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होना 21 साल से अधिक युवाओं के लिए, उनके लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। लेकिन कुछ राज्य जिनमें राजस्थान भी शामिल है, उन्होंने केंद्र से मांग की है लगातार कि सभी के लिए फ्री वैक्सीन की जाए और जो 3 रेट है वो 3 रेट की उन्होंने आलोचना भी की है। आज की जो बैठक है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो केंद्र को पूरी जानकारी देनी है, पूरा एक्शन प्लान देना है खासकर इन 3 मुद्दों को लेके, तो पूरे राज्यों की स्थिति जांचने परखने के बाद में माना जा रहा है कि कोई एक ऐसी नीति बनेगी जिससे कि किसी राज्य को शिकायत ना हो और जहां मामले ज्यादा है वहां पर केंद्र और राज्य मिलकर जो है उस संक्रमण की स्थिति से निपटे और लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस तरह का एक लगता है एक्शन प्लान है वो आज तैयार हो। नरेश, यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जैसे कि सीएम गहलोत द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ पर भी राजनीति की जा रही है, गुजरात के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है मगर जयपुर में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। वहीं एक डिमांड सीएम गहलोत ये भी आज उठाने वाले हैं कि 18 वर्ष से ज्यादा के उम्र के लोगों को भी फ्री वैक्सीनेशन हो, ये भेदभाव सरकार ना करे, क्योंकि सीएम गहलोत कह रहे हैं कि किसी भी उम्र के साथ ये भेदभाव वाला जो पक्ष सरकार रख रही है वो नहीं होना चाहिए। सरकार को उम्र के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इधर देखिए, आंकड़े अपने आप में गवाह है कि किस राज्य में जो एक्टिव केस ज्यादा है और किस राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज्यादा की जा रही है। मुख्यमंत्री की और जो मंत्रिमंडल की जो आपत्ति थी वो इसी बात को लेके थी कि जहां पे एक्टिव केस राजस्थान की बजाय कम है वहां ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की सप्लाई ज्यादा है, और राजस्थान जो 6ठे नंबर पे है जहां एक्टिव केस के मामलों में करीब 1 लाख के करीब है, लेकिन उन राज्यों की बजाय यहाँ सप्लाई कम है। तो इनकी मांग यही है, इसमें मुख्यमंत्री ने ये किसी तरह की राजनीति ना करने की बात कहते हुए यही कहा है कि जहाँ पे एक्टिव केस ज्यादा है उस अनुपात में ही उन राज्यों को जो है वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो सप्लाई है वो की जाए, इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। क्योंकि तो आंकड़े जो कल पेश किए गए थे, जो मंत्रिपरिषद की बैठक में भी जो आंकड़े पेश किए गए थे, उसमें साफ साफ दर्शाया जा रहा है
कि गुजरात और मध्य प्रदेश जहां पे राजस्थान की बजाय एक्टिव केस कम है वहां पे इन दोनों की सप्लाई ज्यादा हो रही है, जबकि राजस्थान को ज्यादा जरूरत है वहां सप्लाई कम हो रही है। और जो आने वाला समय खासकर जो 30 अप्रैल तक का जो समय है वो काफी चुनौतीपूर्ण है हर एक राज्य के लिए, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड वेव अपना असर दिखा रही है तो ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो यही मांग की जा रही है। साथ में मुख्यमंत्री ने तमाम जो सांसद है राजस्थान से उनसे भी अपील की है कि वो केंद्र सरकार के सामने राजस्थान का पक्ष रखे, उन पर दबाव बनाए कि राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है एक्टिव केस के अनुपात में, वो सप्लाई करे। अगर ऐसी सप्लाई होती है तो फिर राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आंकड़े बताते हैं कि इस तरह का भेदभाव होता है तो मुद्दा उठना लाजमी है। यही बात आज मुख्यमंत्री भी उठाने वाले हैं, जो वीसी हो रही है प्रधानमंत्री के साथ में आंकड़ों के हिसाब से। और जो आपने बात की है वैक्सीन को देखिए, तो देखिए ये लगातार मांग रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, राजस्थान सरकार की तरफ से भी, कि 45 साल तक की उम्र के लोगों के लिए तो केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन कर रही है, और 21 से 45 साल तक के लिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ और कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर खरीद सकती है। और जो वैक्सीन की जो रेट है वो भी 3 अलग अलग है, केंद्र सरकार के लिए अलग रेट है, राज्य सरकार के लिए अलग रेट जारी की गई है, और निजी अस्पतालों के लिए अलग रेट जारी है, जबकि वैक्सीन एक ही है। तो अब जब पूरा देश इस आपदा में है, इस संकट की घड़ी में है, आपात स्थिति है देश में, तो ऐसे में अगर इस तरह के रेट मोल भाव किए जाएंगे तो इससे सवाल उठना लाजमी है। तो तमाम जो राज्य जो कि आज वीसी से जुड़े हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री से, वो इस बात को लेकर फिर से मांग करेंगे प्रधानमंत्री से कि जो वैक्सीन है वो फ्री लगाई जाए, केंद्र जो है वो एक घोषणा करे कि सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। क्योंकि देखिए अगर लोगों को बचाना है, संक्रमण से बचाना है, तो वैक्सीनेशन का काम भी उतना ही युद्ध स्तर पर चलना है जितनी युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है, रेमडेसिविर की सप्लाई करनी है। नरेश, और कौन से मुद्दे सीएम इस बैठक में उठा सकते हैं? देखिए जो 3 मुद्दे, जैसा मैंने पहले ही बताया, 3 मुद्दे तो अहम है, ये ऑक्सीजन का मामला है, रेमडेसिविर का मामला और वैक्सीन का मामला है। इसके अलावा भी जो राजस्थान को जो कहे कि चूंकि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, यहाँ की स्थितियां प्रतिकूल है, तो ऐसे में जो एक पहले भी मुख्यमंत्री ने एक मांग की थी कि यहाँ पे जो राज्य सरकार का पैसा बाकी है, खासकर जीएसटी का पैसा बाकी है, वो रिलीज किया जाए और तमाम राज्यों को केंद्र है वो आर्थिक मदद करे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है तो केंद्र को इनमें तमाम राज्यों की मदद करनी चाहिए। ये मांग भी आज मुख्यमंत्री उठाने वाले हैं, लेकिन इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है इस पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार का अगला एक्शन प्लान क्या होगा, राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा। चलिए नरेश, बैठक के बाद पूरी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बैठक जारी है, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। बैठक में 10 राज्यों के सीएम यहां पर शामिल हैं। क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये बड़ी बात है। सीएम गहलोत की तरफ से 3 मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे।